हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नेवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज ना ये मैं बना रही हूँ सेवई, नहा वहा के चाय वगैरह पी के फ्री हो गई हूँ, तो मैंने सोचा ये सेवई बनाकर रख दूँ, क्योंकि खीर वगैरह ना ठंडी अच्छी लगती है, मतलब ठंड हो जाती है ना जब, तभी टेस्टी लगती है। तो फिर मैंने ये बनाया और ये बना के मैंने ना मतलब भून लिया था, और भून के फिर दूध में डाल दिया ताकि वो दूध में पकती रहे अच्छे से, मतलब अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। बॉइल्ड होने के बाद मैंने जब ये खीर बन गई थी ना, तो फिर मैंने इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, तो इसमें है इलायची और थोड़ी शक्कर साथ में पीस लिया था मैंने, क्योंकि खीर में इलायची और शक्कर, मतलब इलायची डाल दो तभी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। और फिर ये सब बनाने के बाद ना मैंने ढोकले बनाए थे, तो ढोकले ये हैं जो कि अच्छे, मतलब अच्छे आ गए हैं, वरना जल्दी आते नहीं हैं। फिर मैंने सारा काम फिनिश किया और ना मैं ऊपर आ गई, तो ये ना पोर्च है, देखो कितना क्लीन क्लीन दिख रहा है। आप लोग देखिए, बाकी क्या आता है ना, बहुत ज़्यादा इस समय आंधी तूफान आता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था पोर्च। तो मैं जब ऊपर आई, और क्या था, आज एकादशी थी ना, तो ज़्यादा चावल वगैरह कुछ मतलब बनाना नहीं था, तो खाना जल्दी हो गया था, क्योंकि ये वाली एकादशी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी होती है, तो हम लोगों ने नहीं बनाया था। और फिर मैंने आया, पूरा पोर्च क्लीन किया, पूरा साफ़ किया, हर जगह धोया। फिर मैंने सोचा था कि और कुछ करूँगी, तो फिर मुझे याद आया कि वट सावित्री आने वाली है कुछ दिनों के बाद, तो फिर मैं आप लोग को बताऊं हल्का सा, मतलब सिंपल सा मेकअप। तो सोचा कि सबसे पहले तो मैं ये जूड़ा बनाऊं, तो जूड़ा जैसे कि मैंने बनाने के लिए तैयार किया ना, तो मैंने सोचा ड्रॉज से मैं वो ले लूं क्या, जूड़ा पिन। तो एक भी जूड़ा पिन का अता पता नहीं है, बड़ी मुश्किल से दो जूड़ा पिन मिले, क्योंकि नानू हमारी इतना मेकअप करती है रूम में, जब मैं आती हूँ ना मतलब लंच वगैरह होने के बाद, तो जब भी मैं रेस्ट करती हूँ या फिर कुछ और जो मेरा एक्स्ट्रा काम रहता, तो नानू का मेरी मेकअप चलता रहता है सारा टाइम, जब तक कि मैं रूम में रहती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। तो उसने पूरा सामान मेरा पता नहीं कहाँ डाल दिया है। और फिर ये जो मैं है ना, ये स्टिक, तो क्या था, अगर मैंने सोचा कि बाल स्ट्रेटनर मतलब कर लिया करूँगी तो इलेक्ट्रॉनिक वाले से, तो क्या होगा, नानू भी है ना, तो निवी भी है, खासकर निवी बहुत ज़्यादा छूती है सामान को, तो मैंने सोचा सिंपल सा कर लिया दिखाना है मुझे, तो ये स्टिक है कर्ली करने के लिए है। तो बस मैंने लिया था एक बार, तब से अभी तक कि मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने वो किया। मैंने सीधे पल्ली की साड़ी पहनी और ये पहन रही हूँ नेकलेस सिंपल सा। और ना इसमें मैंने सोचा कि कई लोग ना सीधा पल, जैसे कि हम लोग को तो अब बच्चे वाले हो गए ना, तो लगता है जल्दी से उल्टा पल ले लो, जल्दी से पूजा करो और सिंपल मतलब फ्री हो जाओ, बट मैंने ना सीधा सा पल्ला लिया था, आप लोग देखिएगा पूरी साड़ी। और फिर क्या हुआ था ना, मेरा जूड़ा, मैंने बताया ना नानू ने पूरा सामान इधर उधर करके रख दिया, तो मेरा जूड़ा बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो शर्ट तो ढकना है, तो फिर मैंने उसी में क्लचर लगा लिया था, आप लोग को दिख रहा होगा। फिर मैंने लगाया उसमें सीसी क्रीम, क्योंकि अगर सिंपल सा दिन का मेकअप हो तो आप ज़रा सा ये लगा लो। फाउंडेशन वगैरह लगाने में ना क्या होता है, अगर दिन में जाओगे ना आप, तो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, इसलिए मैंने सिंपल सा ये लगाया सीसी क्रीम 95। और फिर इसको ना पूरी स्किन पे अच्छी तरीके से फैला लिया था। और फिर मैंने कुछ भी मतलब कि और किसी से, मतलब हाथों से ही चारों तरफ फैला लिया। और फाउंडेशन वगैरह में मैंने सोचा कौन इतनी धूप में जाता है, कई लोग जाते हैं और धूप में फिर पसीना पसीना बाहर ही पूजा होती है क्योंकि इसकी, फिर मैंने इसके लगाने के बाद लगाया फेस पाउडर। मैंने सोचा फिर ईयर रिंग, मतलब इसमें मैंने जो डेली उसके लिए ईयर रिंग पहनती हूँ ना, वो उतारा, और ये ना हेयर में तेल लगा हुआ है, इसलिए वो ऐसे चिपके चिपके से मेरे हेयर लग रहे हैं, क्योंकि अचानक से मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इग्नोर करिएगा। और फिर मैंने इसके मैचिंग के ईयर रिंग पहने, ये मैंने ना ये देखिए एकदम छोटे छोटे से बट स्मार्ट लगते हैं इसके ईयर रिंग, तो मैंने वो पहने। फिर इसके बाद मैंने किया बाल, मतलब क्या हो रहा था, सामने फैलाने की कोशिश कर रही थी कि वो चिपक ना पाए बाल। और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि मैं लगाऊं फेस पाउडर, और ये जो मेरा किट है ना जिससे मैं सामान निकाल रही हूँ, ये किट मेरा छुपा कर रखती हूँ मैं क्योंकि एक किट जो मेरा डेली यूज़ वाला था वो पूरा, मतलब इन लोगों ने ना मिलकर दोनों बहनों
दोनों ने सामान ख़राब कर दिया है मेरा। और जो मैंने फेस पाउडर दिखाया है ना, ये है किस ब्यूटी का। मैं इस बार जब मायके गई थी ना तो लेकर आई थी, सुना था बहुत ही अच्छा है तो ये लेकर आई थी, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने हल्का सा लगा लिया है पूरे फेस पे, और ये जो मेरे के मतलब ये बहुत संभाल के छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये दोनों बहनों के हाथ आए ना तो मेरा किट ये भी चला जाएगा। इसलिए मैं इसमें ना छोटे के किट में सब सामान लगा कर रखी हूँ। और फिर ये है लिपस्टिक, तो ये है रेड कलर की। हाल इस साड़ी में तो रेड कलर ही अच्छा लगेगा, और अच्छी है ये भी। मैं इसे यूज़ करती हूँ, एक आधी ना मेरी शादी में घूम गई, उसका भी कलर मतलब बहुत ही अच्छा था। बट मुझे ना और भी लेनी है, अभी ऐसी ही लेनी है जो मतलब ज़्यादा ओवर ना दिखे। कई चीज़ों में ये रहता ना बहुत ज़्यादा शाइनिंग रहती, जैसे ये लिपस्टिक जो मैं लगा रही हूँ ना, इसमें हल्का सा मतलब ओवर शाइनिंग लगता है दिन के हिसाब से, जैसे सुबह की पूजा है उसके हिसाब से। और ये थोड़ा सा फैल गया था इससे मैंने इसे क्लीन किया। और मुझे और मतलब ऐसे कॉटन की साड़ी के हिसाब से लेनी है ज़्यादा, इस मतलब सोबर सी जो लिखे लिप्स में आप लगा लो तो स्मार्ट लुक दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमचम नहीं अच्छी लगती है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। और बस मैंने इसे, हालांकि मैंने इसका वन स्टॉक ही लगाया कि ज़्यादा ओवर ना दिखे वो। फिर इसके बाद मैं एक क्या काजल भी मैंने लगाया थोड़ा सा। और ये सब क्या होता है ना यार, मतलब ये काजल मेरी आंखों में जल्दी से कोई काजल नहीं टिकता है, तो मुझे बताइएगा आप लोग क्योंकि ये कि मैं कौन सा काजल यूज़ करूं। मुझे बड़ा शौक़ रहता है कि मैं काजल ऐसा लगाऊं कि वो दिन भर तक की चल जाए। हालांकि मैं डेली यूज़ में कुछ भी नहीं लगाती, ना कि लिपस्टिक ना कि काजल, बट कहीं जाओ तो ऐसा लगता है फैल ना पाए अच्छे से, वो जैसा लगाओ वैसा ही रहे। तो मुझे बताइएगा कॉमेंट में कि कौन सा काजल यूज़ करूँ अच्छे सा। और फिर बस ये हो गया था मेरा मेकअप। अब मैं लगाऊंगी एक बिंदी, तो बिंदी का भी देखो क्या, निवी के कारण बिंदी नहीं बच पाती है, पर इधर उधर रखो तो ये है कि छोटी सी बिंदी, मैं छोटी सी क्या, साथ ही पूजा वगैरह में थोड़ी हैवी सी बिंदी अच्छी है, पूजा मतलब बड़ी सी बिंदी अच्छी लगती है। तो ये लगा लिया मैंने रेड कलर की बिंदी, तो बस हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट। अब बस अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली मेकअप में। अब मैंने बस पहने बैंगल्स, तो ये कंगन देखिए, ये कंगन हैवी से। हालांकि पूजा वगैरह में ना चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, बट तभी ना क्या हुआ था चूड़ी वगैरह नहीं लिया है, और तो मैं सोच रही थी आप लोगों को कंगन में ही दिखा दूँ। ये हैवी से कंगन है जो कि चूड़ियों को कवर कर लेंगे, तो बस मैंने ये पहना। और साइड साइड में पतले पतले कंगन डाल लिए थे कवर के लिए, और मेरी साड़ी में ना गोल्डन कलर भी है, साइड में बॉर्डर है, इसलिए मैंने छोटे छोटे से उसमें छोटे छोटे पतली पतले से गोल्डन कलर के कंगन चूड़ियाँ डालनी थी। अब बस हो गया मेरा मेकअप, तो ये है मेरी चूड़ियाँ और ये मेरा नेकलेस हो गया। अब मैं इसे जो कर्ली किया है ना मैंने हेयर, वो ओपन कर लूँगी। हालांकि अभी ज़्यादा हुए नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम अभी नहीं हो पाया था, आप लोग को दिखाना था इसलिए मैंने जल्दी से ओपन कर लिया, पर थोड़े बहुत तो हो ही गए हैं ये देखिए। और नानू क्या बोलती है, मम्मी आपके बाल ना अजीब से हो गए हैं, उसने कभी ऐसे देखा नहीं ना मुझे कर्ली करते हुए। तो बस ये हो गए हैं बाल कर्ली, ये ना थोड़ी और हो जाते, थोड़ा और टाइम होता ना तो वो काफ़ी अच्छे हो जाते, मैंने काफ़ी बार इससे किए हैं। तो बस हो गया मेरा मेकअप। अब तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और ये देखिए वटसावित्री का सिंपल सा मेकअप, जो कि आप लोग भी करिएगा या फिर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने ज़्यादा कुछ आप लोग के सामने ही मैं रेडी हुई हूँ, तो आप लोग ऐसा मेकअप कर सकते हो। और हालांकि वटसावित्री 10 तारीख को है, लेकिन मैंने सोचा आज अच्छा टाइम मिला है मुझे ज़्यादा सा, तो मैं आप लोगों को ये मेकअप करके दिखा दूँ। तो बस ये हो गया है मेरा मेकअप, और ये है मेरी साड़ी। ये जो पीछे का है ना, तो ये ब्लाउज का बैक डिज़ाइन है, आप लोग समझ ही गए होंगे। हालांकि तो बस मैं हो गई हूँ रेडी, और ये है, मैं बार बार इसलिए कंघी कर रही हूँ कि शायद बाल मेरे ना अच्छे से हो जाए, क्योंकि आप भी कभी भी नोटिस करना कि अगर आप मेकअप कर रहे हो बाल चिपके हो तो ना चिपके हो तो वो अलग सा ही फेस शो करते एकदम अर्ली अर्ली। तो हालांकि इनके इनके पापा हैं जो निवी के, वो लोग भी वो भी बच्चों तक को नहीं लगाने देते कि कैसे दिख रहे हैं इन लोग का, तेल मत लगाया करो।
तो बस, और ये मुझे हंसवा रहे थे कि बड़ा मेकअप चल रहा है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। क्या हुआ था, मैं रेडी होके ना ऐसे मतलब ट्राईपॉड के सामने खड़ी हुई थी, तो वो मज़े ले रहे थे मेरे से कि बड़ा तैयार हो, अजीब सी लग रही, कितनी मोटी हो गई, मुझे चिढ़ा रहे थे। मैंने बोला ठीक है ना, क्या करना है, बस अभी हो गई हूँ मैं रेडी। तो ये हंसवा रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस अब फिर ये देखिए मेरा फुल लुक साड़ी का, क्योंकि मेरा ना छोटा सा रूम है, तो मुझे अलग अलग एरिया मतलब अलग अलग साइड जाके वीडियो कैप्चर करना पड़ता है, और ऊपर से नानू नीवी आ जाती है मेरे साथ। तो ये हो गई हूँ मैं, ये देखिए मैंने ना मतलब सीधे पल्ले से साड़ी पहना था, और काफ़ी दिन बाद सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है, क्योंकि अपने से पिन कवर करते नहीं बनती है। तो आप लोग देखिएगा कैसा लगती हूँ मैं, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो अच्छा लगा हो, जो बुरा लगा हो कॉमेंट में बताइएगा। बाय बाय।